नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट के लिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूं। सिटी कैसे पता करना है, एग्जाम सेंटर तक कैसे जाना है, इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहली बात है कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 7,547 है। 5,056 मेल और फीमेल के लिए 2,491 सीटें हैं। फॉर्म आपके भरे गए थे सितंबर माह में और एग्ज़ाम की तारीख जो है वो 14 से 30 नवंबर और बाकी एग्ज़ाम जो होंगे वो 1 से 5 दिसंबर के मध्य होंगे। यानी इस एग्ज़ाम तारीख के अंदर अपने आप को बढ़िया तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। बट एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है देखिएगा। सबसे पहले अपन को क्या करना है, SSC का ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। देखिएगा ये वेबसाइट लिखी हुई है ssc.nic.in। सिंपली अपन को गूगल क्रोम में ये वहां पर करना है, कर लेंगे। करने के बाद अपन को यहां पर एक नया टैब दिखेगा, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के अंदर क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपके अलग अलग रीजन आएंगे। अलग अलग रीजन मतलब मान लीजिए कोई बच्चा असम का है तो सीधी बात है कि वो नॉर्थ ईस्ट में है। यदि राजस्थान की बात करें तो नॉर्थ के अंदर है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग वहाँ पर ये रीजन बनाए गए हैं। यदि हम लोग बात करें कि जैसे राजस्थान वालों के लिए है तो अपन लोगों को सबसे पहले इस नॉर्थर्न रीजन पर क्लिक करना है। नॉर्दर्न रीजन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का नया एक टैब खुलेगा, ssc.nr.nic.in। यहाँ से अपन को एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। चेक द स्टेटस ऑफ योर एडमिट कार्ड। सबसे पहली बात है कि एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे है, तो वो चेक करने के लिए स्टेटस फॉर कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 का ऐसे खुलेगा आपके सामने। अब यहाँ पर आएगा, इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। यानी कि उसके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। साथ ही साथ में इफ द आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एन एडिशनल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देखिएगा यदि आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है देन ओके। यदि ऐसा कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तब वहां पर आपको एक ऐसा और डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। सिंपली मैं बोलूँ आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, देन इट इज़ सफिशियंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ मिसमैच वगैरह वगैरह ये कोई खास बातें है नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूँ। इन केस ऑफ मिसमैच इन द डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट एंड द फोटो आईडी द सर्टिफिकेट ब्रॉट इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ आ गया, यदि आपकी फोटो मिसमैच हो गई तो आपको एग्जाम में वहाँ एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अपन को इसको एग्री करके यहाँ से टिक करना, सबमिट करेंगे, एक नया आपके पास ऐसा खुलेगा ssc.nr.nic.in। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में अपन को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है। यदि फादर नेम में वहाँ पर स्पेस दे रखा है तो स्पेस देना है, नहीं दे रखा तो नहीं देना है। सरनेम लिखा हुआ है तो पूरा लिखना है, पूरा आपको अच्छे से लिखना है। यदि अपन के पास रोल नंबर है तो रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास रोल नंबर भी नहीं है तो आपको अपना नाम तो पता ही होगा, पिताजी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद आप सर्च स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक नया पेज खुलेगा। एक नया पेज खुलेगा जहां पर एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, स्टेटस फॉर कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, और इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एग्जाम डेट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम डेट भी आएगी। 1/12/2023 को एग्जाम है, CTI इसकी अहमदाबाद, और इसका शिफ्ट है 3rd शिफ्ट। रिपोर्टिंग टाइम 1:45 पे है, एग्जाम का टाइम जो है 3 बजे से 4:30 बजे। फॉर्म इसका एक्सेप्ट हो चुका है, ये चीज ऐसे आपको पता कर देनी। एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम की जो तारीख है आपकी मान लीजिए 1 तारीख है तो उससे 4 दिन पहले आएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। एडमिट कार्ड के अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके जाना है अपना अगला वीडियो देखिएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।